जात समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हुड्डा ने शोषण किया है, जाट का क्या शोषण नहीं किया, जाट का भी शोषण किया। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो हुड्डा के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी है, उससे इस बार कांग्रेस से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस जाट समुदाय का वोट तय मानकर चल रही है। कांग्रेस को जहां जाट मुस्लिम और दलित के समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की तैयारी कर रही है। नायब सिंह सैनी ने जाटों को देशभक्त बताकर जाट के साथ साथ किसान समुदाय का भी भरोसा जीतने की कोशिश की है। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए पार्टी के पास ओबीसी का मुख्यमंत्री चेहरा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ओबीसी समाज एकजुट होकर उसे वोट करेगा। राज्य की आबादी में 7.5% हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए ही पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेता मोहन लाल बडोली को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जाट, सिख, मुस्लिम, दलित और किसान, ये बड़े फैक्टर है जो भाजपा के साथ नहीं है। आप मानते हैं कि ये फैक्टर जो गिनवाए जा रहे हैं इनको लेकर के कोई भाजपा की चुनाव? एक भी फैक्टर नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। कल मेरी तोसान के अंदर रैली थी, जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है, जाट का क्या शोषण नहीं किया, जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जाट वोट दे रहा बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो हुड्डा के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ जाट समाज और ये एससी समाज का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोट देने वाला है। और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई मुस्लिम भी वोट देगा, चलो कहीं दिखते होती हैं उनको, क्या दिखते हैं हमें नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी जी तो जो योजना बनाते हैं वो देश के 180 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं, वो उसके अंदर ये भेदभाव नहीं करते कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये कोई भेदभाव नहीं करते। परंतु भेदभाव खड़ा करने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम तो करती है परंतु जात के अंदर जात को भी बढ़ावा देने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तभी तो बोलता हूं कि आप विकास की बात करिए, 60 साल आपने शासन किया है, राहुल गांधी को अगर संविधान की कॉपी उठा करके लोगों के बीच में कहना पड़े कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को खत्म कर देगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जितनी भी इसकी वो की जाए निंदा उतनी कम है जितनी इसकी निंदा की जाए। अरे मोदी ने तो संविधान के अनुरूप देश को चलाया।